सबसे पहला सिंपलेस्ट केस, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ है स्फेरिकल बॉडी। एक बॉडी है परफेक्टली स्फेरिकल, कैपेसिटी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये बॉडी मेटल है, नॉन मेटल है, कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है। एक ग्लास 200 ml का, जिसमें 200 ml लिक्विड आ जाए, इस बात से फर्क पड़ता है कि वो कांच का बना हुआ है या प्लास्टिक का बना हुआ है? कैपेसिटी अगर 200 ml है किसी ग्लास की, तो उस कैपेसिटी का इस बात से कोई रिलेशन नहीं कि वो ग्लास किस मटेरियल का बना हुआ है। ठीक वैसे ही इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ बॉडी। शेप साइज पर तो डिपेंड करता है, ग्लास बड़ा होगा तो ज्यादा कैपेसिटी होगी, ग्लास का शेप बदल देंगे तो कैपेसिटी बदल जाएगी। ठीक उसी तरह यहां भी शेप साइज पर डिपेंड करता है, लेकिन बॉडी के मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता। इसलिए एक जनरल फार्मूला बनाते हैं, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉडी। ये एक बॉडी है जिसकी रेडियस है कैपिटल आर। बिल्कुल सिंपल है, किसी भी बॉडी की आपने कैपेसिटी फाइंड करनी है, आप उसे चार्ज दीजिए और चार्ज देने के बाद देखिए उसका पोटेंशियल कितना इंक्रीज हो गया, और चार्ज को जितना पोटेंशियल इंक्रीज हो गया उससे डिवाइड कर दीजिए, कैपेसिटी आ जाएगी। सी इक्वल्स क्यू बाई वी, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है, सी इक्वल्स क्यू बाई वी। इस पेन की कैपेसिटी आपको फाइंड करनी है, इसे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज दे दीजिए कहीं से लाकर। बिना चार्ज के इसका पोटेंशियल जीरो है, चार्ज देने के बाद इसका पोटेंशियल 50 हो गया। जितना चार्ज आपने दिया है उसे 50 से डिवाइड कर दीजिए, कैपेसिटी आ गई पेन। बहुत सारे अलग अलग कैपेसिटर्स की कैपेसिटी हम फाइंड करने वाले, तरीका सबका यही है कि बॉडी जिसकी कैपेसिटी आपको फाइंड करनी है उसे आप चार्ज दीजिए, चार्ज देने के बाद देखिए कि उसका पोटेंशियल कितना राइज हो गया, कितना पोटेंशियल इंक्रीज हो गया। जितना पोटेंशियल इंक्रीज हो गया इस पोटेंशियल से चार्ज को डिवाइड कर दीजिए, कैपेसिटी आपकी आ गई। ठीक, बहुत सिंपल एकदम। आपने इस बॉडी को चार्ज दिया है क्यू, कितना चार्ज दिया, चार्ज दिया आपने बॉडी को क्यू, चार्ज गिवन टू द बॉडी कितना है क्यू, पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ बॉडी कितना होगा, पीछे हम फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं, 1/4 pi epsilon नॉट क्यू बाय आर वोल्ट। अब इसके बाद क्या करना है, कुछ भी नहीं, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, सी इक्वल्स क्यू बाई वी, सी इक्वल्स क्यू बाई वी। तो सी कितना निकल कर आया, ये क्यू है, चार्ज है, इसे आप वी से डिवाइड कर दो, कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, 4 pi epsilon naught r farad। दिस इज द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉडी, किसी भी स्फेरिकल बॉडी की इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी है, जिसकी रेडियस कितनी है, r। सीधी सीधी सी बात है, लार्जर द रेडियस लार्जर इज द कैपेसिटी ऑफ बॉडी। यहां एप्साइलन नॉट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है, किसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है, किसकी, फ्री स्पेस की। ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी उस मटेरियल की नहीं है जिस मटेरियल की ये बॉडी बनी हुई है, कांच की है, प्लास्टिक की है, रबर की है, लोहे की है, कोई मतलब नहीं। ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी फ्री स्पेस की है, इस बॉडी के चारों तरफ फ्री स्पेस है। अगर इस बॉडी को आप किसी मीडियम में डुबो देंगे, मीडियम से एनक्लोज कर देंगे, मीडियम में रख देंगे, तो यहाँ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी मीडियम की आ जाएगी। राइट, कीजिए सर। अब यहीं से हम फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ अर्थ।
तो रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 × 10⁶ मीटर और कैपेसिटी ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा, देखिए 1/4πε₀ की वैल्यू थी 9 × 10⁹, तो 4πε₀ की वैल्यू 1/9 × 10⁹ और रेडियस ऑफ अर्थ कितना है 6.4 × 10⁶ मीटर और ये फेरेड में निकल कर आएगी, फेरेड में निकल कर आएगी ये। और जब इसे आप पूरे को सॉल्व करेंगे तो कैपेसिटी ऑफ अर्थ आपका फाइंड होगा 711 माइक्रोफेरेड कुल, पूरे अर्थ की कैपेसिटी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी है 711 माइक्रोफेरेड। जो कल कैपेसिटर था उसकी कैपेसिटी कितनी थी 100 माइक्रोफेरेड, यानी ऐसे ऐसे 7 या 8 कैपेसिटर मिलकर पूरी अर्थ के बराबर काम कर जाएंगे। कीजिए इसे,